नमस्कार, मैं हूं धनश्री। केकेआर न्यूज में आपका स्वागत है। बढ़ते खबरों की ओर, भोपाल चैंबर ऑफ कॉमर्स के चुनाव आज मानस भवन में कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान शुरू हो चुका है। अब तक डाले गए हैं 90 वोट। चुनाव स्थल पर प्रत्याशियों को प्रचार सामग्री ले जाने की दे दी है हिदायत और कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के साथ संपन्न हो रहा है चुनाव। चैंबर की ओर से जारी पहचान पत्र या शासकीय पहचान पत्र के माध्यम से ही कर सकेंगे वोट। अध्यक्ष, 3 उपाध्यक्ष, 1 महामंत्री, 2 मंत्री, 1 कोषाध्यक्ष, 1 सह कोषाध्यक्ष सहित 15 कार्यकारिणी सदस्यों के लिए हो रहा है मतदान। प्रगतिशील और संभावना पैनल के लिए इस बार 48 उम्मीदवार है मैदान में। मतदान के बाद पेटियों को रखा जाएगा श्यामला हिल्स थाने में। भोपाल से संवाददाता सऊद सिद्दीकी की रिपोर्ट। आठ जनवरी है, एक 2022, एक नए वर्ष में हम लोग आए हैं, तो व्यापारियों के लिए भी नया वर्ष बहुत अच्छा रहेगा। आज मुझे दिख रहा है जो भोपाल चैंबर ऑफ कॉमर्स में जिस उत्साह के साथ भोपाल के व्यापारी मतदान कर रहे हैं और हमारी पैनल प्रगतिशील पैनल को आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है पूरे 24 कैंडिडेट हमारे विन होकर आने चाहिए और निश्चित रूप से व्यापारी रहे सम्मान से और व्यापार करे स्वाभिमान से, इस संकल्प के साथ आज ये चुनाव हो रहे हैं। और निश्चित रूप से इसमें ये भोपाल ही नहीं, मध्य प्रदेश ही नहीं, मैं ये कामना करता हूँ आज इस वोटिंग के माध्यम से, डेमोक्रेटिक वे के माध्यम से ये भारत का सबसे मजबूत संगठन होकर उभरेगा भोपाल चैंबर ऑफ कॉमर्स। आज मेरी यही शुभकामना है। मैं वोटर हूँ और बहुत ही डिले हुआ था इलेक्शन, और जो आज इलेक्शन हुआ है, जो भी पैनल आएगी बहुत अच्छा काम करेगी, सहयोग करेगी व्यापारियों का, और मुझे उम्मीद है कि जो भी पैनल आएगी उसको बहुत बहुत बधाई देता हूँ एडवांस में, और जो आए वो अच्छी तरह अपना जो आज तक का इतिहास है उसको आगे बढ़ाए बढ़िया कार्य करके। कोरोना काल के वजह से लगातार चुनाव टलते चले जा रहे थे, कोरोना के वजह से अब ये इतना बड़ा चुनाव नहीं है, छोटा चुनाव है, बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, उस हिसाब से कुछ भी नहीं है। आज भोपाल चैंबर ऑफ कॉमर्स की एक प्रतिष्ठित संस्था के चुनाव है। ये संस्था मूल रूप से व्यापारिक हितों के लिए कार्य करती है और इस बार का चुनाव बहुत आकर्षक और रोचक इसलिए कि थोड़े लंबे समय के बाद कोरोना का प्रोटोकॉल, कभी नियम कायदे कानून, कभी हाई कोर्ट के विषय, कभी कोर्ट के विषय, तो इसलिए चुनाव बहुत प्रतिष्ठापूर्ण हो गया है। और भोपाल के बहुत सारे योग्य ऐसे लोग जो व्यापार जगत में सक्रिय भूमिका निभाते हैं वो आज इस चुनाव मैदान में है, तो मैंने अपना मतदान किया है और सबसे आग्रह करता हूँ जो भी चैंबर ऑफ कॉमर्स के मेंबर हैं अपना मतदान जरूर करें। और एक मतदाता के रूप में मैं आशा करता हूँ कि भोपाल के व्यापार के हित में, भोपाल के व्यापारियों के हित में एक पैनल जीत कर आएगी जो भोपाल का लाभ करेगी। कितने लोगों ने सर इसमें भाग लिया है? देखिए, लगभग 15 इसके कार्यकारिणी सदस्य बनेंगे, 1 मंत्री बनेंगे, 1 महामंत्री बनेंगे, 3 उपाध्यक्ष बनेंगे, 1 कोषाध्यक्ष बनेंगे, 1 सह कोषाध्यक्ष बनेंगे और 1 अध्यक्ष होंगे। इस प्रकार कार्यकारिणी गठित की जाएगी। किस पद के लिए है? नहीं, मैं तो मतदाता हूँ, मैं किसी पद के लिए मैदान नहीं, मैं मतदाता हूँ व्यापारी के नाते। यदि ये लोग जो भी जीतते हैं और जीतने के बाद व्यापार उद्योग की समस्याएं दूर करने के लिए सजग रहते हैं, आम आदमी आम व्यापारी की समस्या में खड़े रहते हैं, तो निश्चित ही भोपाल का व्यापार उद्योग बढ़ सकता है। आपको स्मरण होगा। ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।